मुझसे काफी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि बख्शी जी, अगले 15-20 साल के टाइम पीरियड में आपके दिमाग में ऐसा कोई सेक्टर है जो आपको लगता है कि मल्टी बैगर सेक्टर बन सकता है, कंपनी नहीं? तो मेरे दिमाग में पूरा सोच सच्चाई करके एक ही सेगमेंट बनता है, जो है ऑयल एंड गैस की रिप्लेसमेंट। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे इंडिया का इंपोर्ट बिल मोर देन 100 बिलियन डॉलर्स का साल का बन चुका है, और ये एक ऐसा बिजनेस हो सकता है कि जहां इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी को अपने देश के अंदर बना दी, प्रोड्यूस कर दी, और इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट को खपत में लगा के वर्ल्ड मार्केट के अंदर भी एक्सपोर्ट करने का बिजनेस बना दिया, तो आप ये समझ लिए कि नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी ये बन चुकी है। इसी थीम पे मेरे सामने एक कंपनी है, अदानी एंटरप्राइजेस, और इनका जॉइंट वेंचर विद टोटल एनर्जीज, जो कि यूरोप की बिगेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर है। इस पूरी कैलकुलेशन पे इन दोनों कंपनीज ने मिलके जो जॉइंट प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, जिसको कहते हैं अनिल, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस पे कंपनी दोनों ने मिलके एक स्टेटमेंट दिया 2022 के अंदर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम ये लोग क्रिएट करेंगे। दोनों कंपनीज की अगर मैं थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों का एक साथ होना कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया के बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर के अंदर अगर कोई कंपनी का नाम आता है तो वह अदानी एंटरप्राइजेस है। इनकी पास हिस्ट्री के अंदर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज देख के आपको ये समझ आ जाएगा कि ऐसे बड़े बिजनेस खड़े करने के लिए अदानी एंटरप्राइजेस एक सही पार्टनर होगा इंडियन मार्केट के लिए। दूसरे पार्टनर की अगर मैं बात करूं, टोटल एनर्जीज, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास पीछे की टेक्नोलॉजी का दिमाग लग सकता है, अगर इतना बड़ा आपको बिजनेस जीरो से क्रिएट करना है। प्लस इस कंपनी के पास अपने ग्लोबल नेटवर्क का होना इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास अपना नेटवर्क भी होना चाहिए। तो दोनों की जो साझेदारी है वो इतनी बढ़िया मेरे को लगी, और इस पूरी स्कीम पे एक ही चीज है कि इंडिया के इंपोर्ट बिल को कम करना है, इंडिया की डोमेस्टिक खपत को अगर एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां पे ऑयल एंड गैस की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएं, और उसकी रिप्लेसमेंट के अंदर एक ऐसा हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी सही है, इंडिया में खुद क्रिएट हो रहा है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, और इंडिया की खपत के बाद ये वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट होने का भी जिगरा रखता है। तो ये एक ऐसा केस हो गया जहां पे अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी किधर दिखती है, तो वो दिखती है हमारी ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के अंदर। सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे वर्ल्ड का ट्रांसपोर्ट आज की डेट में जहां पे हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर पे डिपेंडेंट है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसकी रिप्लेसमेंट को करने के लिए अगर मैं एक नंबर बताऊं तो वो हमारा बनता है इंपोर्ट बिल का 100 बिलियन डॉलर से ऊपर का। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर ये रिप्लेसमेंट शुरू होना शुरू हो जाए आज से 2-3 साल के टाइम पीरियड के बाद, तो धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर 100 बिलियन डॉलर से ऊपर की अपॉर्चुनिटी है। अब इंडिया में आपने सिर्फ एक ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर पकड़ेंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी दिखेगा, फैक्ट्रीज भी दिखेंगी, इंडिया के हाउस होल्ड्स भी दिखेंगे, तो आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है जो कि इंडिया के अंदर हर एनर्जी बास्केट के अंदर यूज हो जाए, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करके ही हर हाउस होल्ड, हर फैक्ट्री, हर गाड़ी, हर मोहल्ला चलता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस हो सकता है जहां पे अनिल, जो कि अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से कंपनी फॉर्म हुई है, आपकी नजर इस कंपनी पे होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये इंक्यूबेशन स्टेज पे है और इनके प्लान्स इतने बड़े हैं कि जब ये एग्जीक्यूशन स्केल पे आएंगे
तब आपको इनके ब्लू शॉर्ट्स ग्रीन शॉर्ट्स दिखाई देंगे कि कितना बड़ा बिजनेस इन दोनों कंपनी ने मिलके खड़ा करा है। तो जब भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसे ग्रीन शॉर्ट्स आते हैं तो मैं आगे के नंबर्स एक अजम्पशन बेसिस पे बनाता हूँ कि ये अगर बिजनेस फ्रूटिफाई होते हैं तो अगर इनका एग्जिस्टिंग नंबर इतना बड़ा है तो फ्यूचर में जाके क्या बड़ा नंबर बन सकता है। तो आपको यही सोचना है कि अपॉर्चुनिटी कैसी है, उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए कौन से प्लेयर हैं और प्लेयर किस लेवल पे करंट फेज में काम कर रहे हैं। क्योंकि बोल तो दिया आपने लेकिन अगर आप उस पे एग्जीक्यूशन ही नहीं कर रहे तो बहुत दिक्कत की बात है। और ऐसे लेवल को क्रिएट करने के लिए पार्टनरशिप्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अदानी एंटरप्राइजेस ने सही टाइम पे सही डिसीजन लेके जो पार्टनरशिप फॉर्म करी है टोटल एनर्जीज के साथ, इसका आने वाले फ्यूचर के अंदर इम्पैक्ट आप देखेंगे। और रेडी रहिए क्योंकि इंडिया का टाइम शुरू हो चुका है और ये टाइम कोई 5-10 साल का नहीं है, ये शायद डिकेड्स टू कम होने वाला है। तो ये कंपनी आपके दिमाग में होनी चाहिए और याद रखना आपके साथ हूँ मैं, मुझे भी साथ चाहिए आपका।